वेलकम टू डीएनपी इंडिया। पाकिस्तान ने 27 साल बाद आखिर मान ही लिया कि मोस्ट वांटेड आतंकी 1993 में मुंबई धमाकों का गुनहगार दाऊद इब्राहिम कराची में है। दुनिया भर में आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाले वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FTF की काली सूची से बचने की कोशिश में पाकिस्तान को मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा। हालांकि देर रात पाकिस्तान अपनी इस बात से पलट भी गया। दरअसल पाकिस्तान ने 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम समेत अन्य आतंकवादी संगठनों के अकाउंट पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं। इस दौरान पाकिस्तान ने माना कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मुल्क में ही है और वह कराची में रहता है, लेकिन रात होते होते वह अपने बयान से पलट गया और कहा कि दाऊद इब्राहिम उसकी जमीन पर नहीं है। देर रात पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दाऊद के पाकिस्तान में होने की पुष्टि नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र को कई वर्षों से सूची दे रहा है, किसी संगठन पर नए प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। बता दें कि पाकिस्तान ने आतंकियों की एक लिस्ट जारी की थी। इस सूची के मुताबिक दाऊद इब्राहिम कराची में रह रहा है। इसमें उसका पता व्हाइट हाउस कराची लिखा गया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने तमाम प्रतिबंध UN की लिस्ट जारी होने के बाद लगाए हैं। पाकिस्तान सरकार ने दाऊद इब्राहिम का खाता सील करने के साथ साथ उस पर शिकंजा कसने का भी आदेश दिया है। इससे पहले पाकिस्तानी अखबार द न्यूज में प्रकाशित खबर में कहा गया था कि इमरान सरकार ने 88 आतंकी संगठनों और उनके अकाउंट पर वित्तीय प्रतिबंध की जानकारी FTF को दे दी है। सूची में जमात उद दावा सरगना हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के साथ दाऊद का भी नाम है। सरकार इन संगठनों और उनके अकाउंट की भी सभी चल अचल संपत्ति जब्त करने, सभी बैंक खातों को सीज करने, हथियारों की खरीद और विदेशी यात्रा पर रोक लगा दी है। पेरिस स्थित FTF ने 2018 से पाक को ग्रे सूची में रखा है। इसकी बैठक अक्टूबर में है। पाकिस्तानी आतंकियों का वित्त पोषण नहीं बंद करता है तो उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा और विदेशों से आर्थिक मदद बंद हो जाएगी। खबर के अनुसार इन आतंकी संगठनों और उनके अकाउंट की सभी संपत्तियों को जब्त करने और बैंक खातों को सील करने के आदेश दिए हैं। पेरिस स्थित FTF ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था और इस्लामाबाद को 2019 के अंत तक कार्य योजना लागू करने को कहा था, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इस समय सीमा बढ़ा दी गई थी। सरकार ने 18 अगस्त को दो अधिसूचनाएं जारी करते हुए 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ता और जमात उद दावा के सरगना सईद, जैश ए मोहम्मद के प्रमुख अजहर और अंडरवर्ल्ड जॉन इब्राहिम पर प्रतिबंधों की घोषणा की थी। इब्राहिम 1993 मुंबई विस्फोटों के बाद भारत के लिए सबसे वांछित आतंकवादी बनकर उभरा है। पाकिस्तानी समाचार पत्र द न्यूज की खबर के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UANSC द्वारा जारी नई सूची के अनुपालन में आतंकवादी समूहों के 88 अकाउंट और सदस्यों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अधिसूचनाओं में घोषित प्रतिबंध जमात उद दावा, जैश ए मोहम्मद, तालिबान, दाएश, हक्कानी समूह, अलकायदा और अन्य पर लगाए गए हैं। खबर के अनुसार सरकार ने इन संगठनों और अकाउंट की सभी चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने और उनके बैंक खातों को सील करने के आदेश दिए हैं। खबर के अनुसार सईद अजहर, मुल्ला फजुल्ला, जकीउर रहमान लखवी, मोहम्मद यमा मुजाहिद, अब्दुल हकीम मुराद, नूर वली महसूद, उज्बेकिस्तान लिबरेशन मूवमेंट के फजल रहीम शाह, तालिबान नेताओं जलालुद्दीन हक्कानी, खलील अहमद हक्कानी, यमा हक्कानी तथा इब्राहिम और उनके सहयोगी भी सूची में है। अभी तक की जानकारी यहीं तक। DNP इंडिया पर देखते रहिए नई वीडियो और ताज़ा खबरें सटीक जानकारी के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नमस्कार।